तो आपके पास एक ऐसा मंत्र है, एक ऐसा अभ्यास है, चंद्रमा के घूमने से जो समस्याएं होती हैं उससे मुक्त हो जाएंगे। पृथ्वी के घूमने से अपने धुरी पर या सूरज के चारों तरफ घूमने से जो समस्याएं होती है उससे मुक्त हो जाएंगे। जब सूरज घूमता है बहुत बड़ी समस्या होती है, हृदय ही हमारा काला हो गया, कभी काला हो गया कभी अच्छा हो गया, ये तो बड़ी खतरनाक चीज है। सूरज घूम करके हमको मूर्ख बनाए, कभी ज्ञानी बनाए, हम नहीं फंसेंगे। इससे क्रिया युग ध्यान करिए और ये कारण जानिए, सब ऊपर की हवा है। आजकल के जो बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, अपने बचपन को देखे हैं तो कहा करते हैं कि पहले इतनी बीमारियां नहीं थी, अब सभी बीमार रहने लगे। जैसे जैसे दवाओं का आविष्कार हुआ वैसे वैसे बीमारियां और अधिक दिखाई पड़ी। क्या ये सही है? वास्तविकता है कि सही नहीं है। अब बीमारियों का कारण पता चल रहा है। पहले छोटी मोटी बीमारियां लोग इतनी मेहनत करते थे कि ठीक हो जाती थी, फौड़ा चला रहे, पैदल चल रहे हैं, इतनी मेहनत होती थी कि छोटी मोटी बीमारियां तो टिकती ही नहीं थी। ऐसी की बीमारी हो गई भयानक, जैसे डायबिटीज बढ़ गया, थायराइड का हो गया, और कुछ ब्लड प्रेशर हुआ, कहीं ट्यूमर हो गया, तो उससे जो बीमारियां होती थी समझ में नहीं आती थी, कहते थे ऊपर की हवा है। अब डायग्नोसिस प्रॉपर हो रही है, अब पता चलता है कि ये बीमारी है। बीमारी नहीं पता चल रही, ये पता चलता है कि हार्ट में खून बह रहा था, अब ये नहीं बहता है, ये पहले बह रहा था, अब थोड़ा सा ब्लॉकेट है, ये अब पूरा नहीं बह रहा है, बहने में दिक्कत हो रही है। इतना जब ब्लॉकेट हो गया तो खून कैसे बहे, अब बहने की चीजें दिक्कतें हो रही है। ये ब्लॉकेट क्यों है, इसके कारण की खोज नहीं है। हृदय में ब्लॉकेट से खून का बहाव रुका है ये पता चल गया, ठीक है। हमारे घुटने में दर्द है तो हड्डी घिस रही है, दोनों बीच के जो कॉटलेज है ये घिस रहा है, ये पता चल गया। कॉटलेज घिसा क्यों, ऐसा हुआ क्यों, इसका कारण नहीं पता है, जो बताते हैं अधूरा है। ये अपनी जो भारतीय सिस्टम है, भारतीय सिस्टम कहते हैं ज्ञान की संस्कृति, ज्ञान कहते हैं जो अंतिम ज्ञान है। अंतिम ज्ञान क्या है, परब्रह्म ही सब रूपों में है, वही परब्रह्म स्वयं ज्ञानी होते हैं अज्ञानी होते हैं, वही परब्रह्म जानवर के रूप में है, पेड़ के रूप में, हम सब के रूप में है, उनके अलावा कुछ नहीं है। ये अंतिम सत्य है, इसी की ओर हम बढ़ रहे हैं। अब चीजें समझ में आने लगी, जो पहले कहते थे ऊपर की हवा है वो सही है। ऊपर की हवा क्या है, जो देख ना पाई, भूत पिशाच देख ना पाई। अभी तो आप याद करिए ना, कोरोना जब फैला था तरह तरह की डायग्नोसिस होती थी, ये इंजेक्शन वो इंजेक्शन लगाई, ये करिए वो करिए, बाद में पता चला कि सब गलत हुआ। फिर वैक्सीनेशन जरूर हो, देखो वैक्सीनेशन हुआ सबको कोरोना हुआ। आप कहते नहीं वो मरे नहीं, मरे भी हो, और जिस तरह से वैक्सीनेशन हुआ ऐसा वैक्सीनेशन होता ही नहीं, कई वर्ष लग जाते इसको टेस्ट करने में। इतनी मेडिकल साइंस एडवांस होने के बाद अब तो पता चला ना कि सब चीजें जो थी सही नहीं थी, उस पर केस भी चल रहा है अंतरराष्ट्रीय फोरम में, क्योंकि वैक्सीन बनाने पर ढेर सारा इनकम हुई, कुछ लोग बहुत मालूमाल हो गए, ढेर सारे लोग बहुत धनी हो गए, तो उस पैसे के बल पर जो हुआ सही हुआ इस सिद्ध करने में लगे रहते हैं। लेकिन याद रखिए, सारी जो बीमारी है सब ऊपर की हवा की होती है, चाहे थायराइड हो या गठिया हो या कुछ भी हो, तो ऊपर की हवा क्या है। देखिए, जब चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ घूमती है तो पूर्णिमा होता है, पूर्णिमा के दिन अगर ब्लीडिंग हो तो ज्यादा होती है, बीमारियां बढ़ जाती है।
अमावस्या के दिन, पूर्णिमा के दिन, एकादशी के दिन चीजें बढ़ती है। अब देखिए, अब रियल डायग्नोसिस क्या है जो मैं समझता हूँ, सब ऊपर की हवा है, नीचे से कोई बीमारी है ही नहीं। तो ऊपर की हवा कहाँ से आई? चंद्रमा के घूमने से आई। चंद्रमा घूमी तो क्या हुआ? पूर्णिमा हुई, उसमें क्या हुआ? ब्लीडिंग बढ़ गई, बीमारियां बढ़ गई। इसलिए पूर्णिमा के दिन उपवास करते हैं। उपवास क्या है? उप का मतलब है समीप। किसके समीप रहेंगे हम? ज्ञान के, शक्ति के, शांति के। ऐसा कुछ न करिए जिससे अशांति बढ़े, अज्ञानी। कोई निंदा न करिए, किसी से घृणा न करिए, किसी की बुराई न करिए और सबकी सेवा में लगे रहिए। इसको उपवास कहते हैं। खाना छोड़ करके बढ़िया सिंघाड़ा की हलवा बनाइए, कुट्टू की पूरी खाइए, बादाम का खूब बढ़िया मेवा बना करके हलवा खाइए। उपवास नहीं है, ये चेंज ऑफ फूड है। उप का मतलब समीप, उपवास का मतलब निवास करना। किसके समीप हम होना चाहते हैं? ज्ञान के, शक्ति के, शांति के, आनंद के, अमरता के। उसके समीप कैसे रहेंगे हम? किसी की निंदा जब नहीं करेंगे, किसी को देख के छोटा नहीं करेंगे, किसी से किसी की तुलना नहीं करेंगे। हम आपसे बड़े कहना बंद कर दीजिए, आप हमसे बड़े ये भी कहना बंद कर दीजिए। एक दिन पूर्णिमा है, कोई कंपैरिजन न करिए। ये फूल अच्छा है, ये फूल अच्छा है कहना बंद कर दीजिए। सभी ब्रह्मांड की रचनाएं, जितनी भी रचनाएं हैं, पेड़ पौधों के रूप में, जीव जंतु हम लोग के रूप में, साक्षात परब्रह्म ही सब रूपों में है। पूर्णिमा के दिन मान लीजिए कि उपवास हो गया और कहेंगे भूख लगी खाना ना खाइए, तो उपवास नहीं है। भूख लगने पर खाना अवश्य खाइए, ज्यादा ना खाइए। अगर भूख लगी खाना नहीं खाएंगे तो उम्र कम हो जाएगी, आपकी हाथों में, स्टमक में, हर जगह घर्षण होगा, वहां पर दिक्कतें आएंगी, कमजोरी आएगी। हाँ, ज्यादा ना खाइए, ना भूख हो तो ना खाइए। ये है जो हमारा जो कष्ट हुआ, ऊपर से हुआ। ऊपर कौन है? चंद्रमा है, उसके घूमने से हुआ। अच्छा भाई, और ऊपर कौन है? सूरज है। पृथ्वी सूरज के चारों तरफ घूम रही, इससे अनेक कष्ट है। कहते ना, आज बहुत तेज गर्मी है, बहुत तेज जाड़ा है, बहुत बरसात हो गई, ऐसा क्यों है? जाड़ा, गर्मी, बरसात का कारण क्या है? पृथ्वी का सूरज के चारों तरफ घूमना, दिन और रात्रि का छोटा होना, ऋतुओं का होना। तो कोई भीग गया, बीमार हो गया, भीग क्यों गए आप? अरे पता नहीं, जा रहे थे, छाता नहीं लिए, बरसात हो गई, भीग गए, बीमार हो गए। इसका कारण क्या? तो भी ऊपर का कारण है, सूरज ऊपर है पृथ्वी के घूमने से, और चंद्रमा का पृथ्वी के चारों तरफ घूमने से समस्या आई। हमें करना क्या है? हम इससे स्वतंत्र हो जाए। पूर्णिमा हो, अमावस्या हो, उससे जो कुछ हो, हम अप्रभावित रहे। पृथ्वी सूरज के चारों तरफ घूमे, जाड़ा हो, गर्मी हो, बरसात हो, हम उससे अप्रभावित रहे। ये करना है। रात्रि बड़ी हो, छोटी हो, दिन छोटा हो या बड़ा हो, हम दोनों में अति आनंद से रहे, इसकी खोज करनी है ना। और आइए, सूरज भी घूमते हैं। सूरज जो परिक्रमा करते हैं 24,000 वर्ष में, सूर्य अपने केंद्र के, उनका एक ग्रेट सेंटर है, ग्रेट ग्रैंड सेंटर, उसके चारों तरफ परिक्रमा 24,000 वर्ष में, और इस सारे कष्ट का कारण यही। तब बताइए, सब बीमारी ऊपर से है कि नहीं? इसे कष्ट का कारण क्या है? जब कलयुग होता है तब मूड हो जाते हैं, हमारे हृदय डार्क हो जाता है। हम डार्क हो गए, मूड हो गए, तो गलती करेंगे हम। गलती क्यों हो रही है? ऊपर की हवा से। चलिए भाई, अब हमको पता चल गया कि कोई भी युग हो, हमारे पास क्रिया योग है कि हम युग के बंधन से मुक्त हो जाए। चाहे कलयुग हो, द्वापर हो, त्रेता हो, सतयुग हो, हमेशा ज्ञानमय बने रहे, यह है उपाय। क्रिया योग ध्यान में जुड़ जाइए, ऋतुओं के बंधन से मुक्ति, चंद्रमा के घूमने के जो प्रभाव पड़ता उससे मुक्ति, सूरज की परिक्रमा से मुक्ति। फिर तो चाहे कलयुग हो, हम तो परम ज्ञानी ही रहेंगे। द्वापर हो, त्रेता हो, सतयुग हो, सोचिए जब मूढ़ हृदय कब था?
700 ईसा पूर्व से लेकर के अगर सन निकाल ले लीजिए तो 1700 एडी तक, इसमें कितनी बीमारी, कितनी लड़ाई झगड़ा। भारत गुलाम क्यों हुआ? सारे रजवाड़े आपस में लड़ते थे, मुगल को लाके कब्जा करवा देते थे। अंग्रेज कैसे आए? जो नवाब थे मुगल के, बड़े भाई नवाब हुए, छोटे नहीं बन पाए थे, दोनों में झगड़ा हुआ, बड़ा भाई छोटे को मार दिया, फिर बड़ा भाई नवाब बना, आपस में फूट हुई, अंग्रेजी ने फूट और डाला, उसके बाद अंग्रेज आ गए, ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई। ये सब तो बहुत ही खतरनाक स्थिति थी उस समय। अगर कोई शूद्र है, अनटचेबल से हरिजन है, धोबी पासी है, चारपाई पे बैठ जाए तो उसको इतना पीटते थे कि मर जाता था। आप चारपाई पे सामने नहीं बैठ सकते थे, स्कूल नहीं जा सकते थे, बढ़िया कपड़ा नहीं पहन सकते थे। ये सब तो कितना खतरनाक समय नहीं था ये? अब तो बहुत ठीक है पहले से। ये देखिए सब दिक्कतें क्या थी, ये है जिसमें हम मूल हृदय में थे, हमारा हृदय डार्क था, जातिवाद की बीमारी चरम सीमा पर थी, आपस में घृणा बहुत ज्यादा था, भाई भाई से घृणा करता था, एक भाई हम राजा हो जाए दूसरे को मरवा देता था। शाहजहां के पिता, देखिए शाहजहां जेल में डाल दिए गए, उनका बेटा औरंगजेब राज किया। ये सब कितनी गंदगी स्थिति थी इस समय। और कारण क्या है, ऐसा क्यों हुआ? ऊपर की हवा। अरे भाई, न सूरज परिक्रमा करता न युग बदलता। अब कल का राज्य मूड हो गए तो हम करें क्या? क्या इस मूड प्रवृत्ति से मुक्त होने का है क्रिया युग ध्यान? हम कितने भाग्यशाली हैं युगों के बंधन से मुक्ति पाने के लिए। क्रिया युग पृथ्वी के घूमने से जो ऋतुओं का प्रभाव होता है उससे जो दिक्कतें आती है उससे मुक्त हो जाएंगे क्रिया युग से। चंद्रमा के घूमने से जो प्रभाव आता है पूर्णिमा अमावस्या के दिन, इससे भी मुक्ति मिलेगी। तो मुक्ति का साधन तो मिल गया है ना। इस तरह से याद रखिए कि अगर डार्क हृदय वालों की पहचान क्या है, अरे बहुत बड़ी है, इनके पास जानते हैं 2000 एकड़ जमीन है, इनके पास हाथी है, जो पहले होता था, अब तो हाथी का चर्चा ज्यादा नहीं है, इतना घोड़ा है, इतना गाय है, इतनी जमीन है, इतना सोना चांदी है, 1000 गांव के मालिक है। कैसे मालिक हुए? मार मार के कब्जा किए। अब कोई कर ले कब्जा? आप 2 विश्व कब्जा करके दिखा दीजिए, नहीं कर पाएंगे। अत्याचार कम हुआ है, अत्याचार क्यों बढ़ा था? ऊपर की हवा थी। बीमारियां ऐसी बीमारियां होती थी कि अचानक बुखार आया, गांव के गांव साफ। स्मॉल पॉक्स, बड़ी चेचक जो कहते बड़ी माता आ गई, गांव के गांव साफ, किसी की आंख फूटी, कोई बहरा हुआ, कोई कुछ हुआ, हैजा कालरा हुआ, सब प्लेग फैला, गांव के गांव साफ हो जाते थे। अब ये इतना खतरा नहीं है, अब बचाव पक्ष है। लॉजिक का उपयोग करके है, काज और इफेक्ट का अध्ययन करके कुछ ऐसी दवाएं बना दी गई है, उसको खाने के बाद जो एक पीड़ादायक सिम्टम होता नहीं होता है, तो मन में शांति आती है। मन में शांति है तो मन की इतनी पावर है कि रिज्यूनेट कर लेता है। मन अगर घबराएगा तो कुछ नहीं हम कर सकते हैं। मन की घबराहट बंद हो, इसे दर्द की गोली खा ली, दर्द नहीं है, गया, मन कहता दर्द गया, जबकि दर्द की गोली खाए हैं, दर्द की गोली खाने से दर्द गया, दर्द का कारण नहीं गया, लेकिन दवा की गोली खाने के बाद दर्द गया, तो उसमें गेन क्या होता है? मन उतनी देर तक दर्द के बंधन से मुक्त है, मन बड़ा शक्तिशाली है, तो हीलिंग करता है, वो मन ठीक कर देता है। इससे जो सिम्टोमेटिक दवाएं बनती है बहुत ही उपयोगी है, इससे मन की डर कम हो जाती है। याद रखिए जब बीमारियां युग के वजह से होती है, मूड जब हृदय था, डार्क फेज था, कलिकाल था, इतनी बीमारियां पूछिए नहीं। उसके बाद अब 1700 ईस्वी के बाद 4180 तक ये द्वापर का काम चलेगा, नया नया अनुसंधान,
आपके पास वेबसाइट है, हर चीजें हैं, रडार है, जो पहले छुप करके कोई वार करते थे, अब सीसी कैमरा लगा है। अब आप कुछ नहीं कर सकते, आप हमारे सुरक्षा व्यवस्था बढ़ रही है, लाइफ सेविंग दवाएं आ रही है, लेकिन बीमारी नहीं जाएगी, क्योंकि द्वापर युग में भी बीमारी रहती है। इसे बीमारी कैसे घटेगी, द्वापर युग को पहचान हर इंडिविजुअल का स्वागत करिए। घर में एक अज्ञानी एक ज्ञानी है, दोनों को खूब प्रेम करिए। बल्कि ज्ञानी से कह दीजिए आप तो अच्छे हैं, लेकिन अज्ञानी बेचारा ज्ञानी है ना, गलती करेगा ना, उसका ख्याल ज्यादा करिए। अब यह समय युग आ गया है, अगर आप किसी की अवहेलना करेंगे तो आप बीमार हो जाएंगे। घर में दो बहुएं हैं, अगर आपने तुलना किया तो सासू जी बीमार हुई। अगर बहू आपस में तुलना की, हम अच्छे वो नहीं, वो अच्छे हम नहीं, वो भी बीमार हुई। अब तुलना का समय नहीं है, द्वापर युग में हम स्वीकार करना सीखे, पूरे घर को साथ लेकर के चलिए। जो बेचारा कमजोर है, काम नहीं कर पाता है, डार्क हृदय में आलस्य है, ज्यादा खाना खा लेता, सोता ज्यादा, उसको टोकिए मत, खुद को प्रेम भरी दृष्टि से देखिए, उसके लिए थोड़ा संसाधन बढ़ा दीजिए, क्योंकि ज्यादा सोता है ना बीमार भी होगा, और टेंशन में ना हो, ज्यादा सोता है तो मूर्ख है, बाकी सब ज्ञानी है। और कोई घर में टेंशन वाले ज्यादा हुआ, ड्रिंक करने लगे, स्मोकिंग करने लगे, तो उनकी कोई निंदा ना करिए, आप ना करिए, आप तो युग के बंधन से मुक्त है ना, तो आप ना करिए। तो धीरे धीरे आपका पूरा परिवार ही, सभी लोग स्मोकिंग करते छूट जाएगा, जो अल्कोहलिक है छूट जाएगा, ड्रग वाले छूट जाएंगे, करके तो देखिए। इसे द्वापर याद रखिए, ये आरोही द्वापर है, इसमें हमारा विकास हो रहा है। अब तो बात करिए, लोग समझते हैं, पहले यही बात करते थे तो लोग कहते थे हम नास्तिक हैं। हम कहते थे हनुमान जी के मंदिर है भाई, कड़कड़ की पूजा करिए, तो मंदिर में भी और परमाणु है कि नहीं, परब्रह्म और परमाणु के रूप में भी है, तो माथा तो टेकते ही हम भी जाके मंदिर में। लेकिन हनुमान जी के जो ताला बंद करके चले जाते हैं, ये पाप है। आपका कोई रिश्तेदार है, मित्र है, तो ताला बंद करके चले जाएंगे। आप कोई आपके मित्र के लिए ढेर सारा खाना पीना दे, आप सब लेके चले जाइए, वो खाया कि नहीं खाया पूछिए नहीं, और ना खाता हो तब भी सबसे लेते जाइए, ले आओ आप भक्त हो, रुपया पैसा फल फूल अनाज सब इकट्ठा करते जाइए, हनुमान जी के नाम पर, राम के नाम पर, कृष्ण के नाम पर, दुर्गा काली के नाम पर, और किसी के नाम पर, तो क्या है ये छलावा है कि नहीं, तो बीमार नहीं होंगे यार। हर पुजारी बीमार है, और जिस गलत पूजा पद्धति में फंसे हैं, हनुमान जी को, राम को, कृष्ण को, जितने पैगंबर हैं, ब्रह्मा विष्णु शिव आदि सभी को, जो अपने श्वास में नहीं खोजता है, हाथ पैरों में नहीं खोजता है, तो उनको तो दूर मानता है ना, और दूर क्या है, दूरी को माया कहते हैं, इसी को राक्षस कहते हैं। भगवान को दूरी माने तो तय है कि हम राक्षस हैं, भगवान कहा ऊपर है तो ठीक है भाई ऊपर है, तो हम हैं कौन राक्षस है, इसी को बीस्ट कहा गया है। आप होली साइंस में देखिएगा, ये चार नंबर सूत्र है, ये गॉस्पेल का वेद का, उसमें चार बीस्ट है, चार राक्षस है, एक दूरी भी है। भगवान हमसे दूर है तो ठीक है दूर है, कोई बात नहीं, हम है कौन राक्षस, हमारे सिंह तो नहीं है, वो सिंह नहीं है, दिखती हो अदृश्य है। इस तरीके से चलो, अब इसके बाद दूरी है, फिर कोई काम करते हैं, काम करने में ऊब जाते हैं, कितना समय लगेगा खत्म करने में। अगर आप काम से ऊब रहे हैं, आप समय को देख रहे हैं, तब भी हम कौन है, राक्षस है। तो राक्षस है तो हमारी राक्षसी प्रवृत्ति होगी, हमारी आदतें गलत होंगी, तो हम बीमार नहीं होगी। तो जो आदमी इस तरह से रहता है, और राजा को व्यवस्था करना, इसके लिए अच्छा व्यवस्था दे, खाने पीने के इंतजाम दे, इसको टेंशन ना हो, इसको कोई नालायक न कहे, इसकी व्यवस्था होनी चाहिए। हम नालायक का कर पकड़ करके पुलिस से जेल में डाल दिए, ये समस्या का समाधान नहीं है। वहां से बैठ करके मन से भी जो सोचता है ना, होता है वो,
तो समय और दूरी जिससे प्रभावित है, इससे ग्रसित है हमारी राक्षसी प्रवृत्ति है। और देखिए आकार, अरे बहुत बड़े आदमी का बहुत बड़ा महल है, आकार से प्रभावित, इनकी इतनी बड़ी गाड़ी है, इतनी संख्या में है, इतनी चीजें हैं, अगर ये है हम कौन सा रहे, हम तो हम कौन है, हम भी राक्षस हुए। अगर जो इन सबसे प्रभावित है, कितना बड़ा मकान है, कितनी गाड़ियां है, उस बैठे कितने लोग माला चढ़ा रहे हैं, कितने लोग पैर छू रहे हैं, अगर आदमी पैर छूगा बड़े खुश हो गए, जो बड़े खुश हो गए राक्षस है वो, तो क्या दुखी तो रोए नहीं। जब पैर कोई छूता है उसके पहले उसके बाद में दोनों में आनंद आनंद हो, आनंद की कमी ना हो, कोई आके पैर छूगा माला पहना तो खुश हो गए, अगर कोई नहीं पहना है नहीं छूगा तो हम दुखित हो गए, तो है कौन अगर ऐसे है तो राक्षस है। राक्षस सभी गलतियां करते हैं तो बीमार होंगे, ये सब बीमारी के कारण है, ये याद रखिएगा। इसका सबसे जो गड़बड़ चीजें हैं जो हम पढ़ लेते हैं सही मान लेते हैं, जिसको कहते हैं WORD वर्ड शब्द, शब्द ये ब्रह्म है। अगर पढ़ करके हमको काम करने में उत्साह आ गया, अब काम करते निस्वार्थ, तब तो जो शब्द पढ़े थे ठीक है। अगर शब्द पढ़ने में, किसी पुस्तक को पढ़ने में हम जानवरों को चारा देने जा रहे थे, बंद कर दिया, अरे यार धर्म की बात करो छोड़ो ये माया है, माता पिता की सेवा कर रहे थे अब कीर्तन में जुट गए, तब है कौन, राक्षस है, तो बीमार नहीं होंगे, बीमार हो गए हैं। इस तरह से जो शब्द के चक्कर में पड़ गया, जो बोलने वाला या लिखा हुआ और बोलने वाली आवाज सुन करके, अगर हमें सेवा करने का भाव बढ़ गया, लिखा हुआ चीज पढ़ करके सेवा करने का भाव बढ़ गया, थकावट दूर हुई, तो हम राक्षस नहीं है, हाँ फिर युग के अनुसार आगे बढ़ रहे हैं। तो बीमारी कारण तो ये है ना, करते रहिए डायग्नोसिस, खूब खून की जांच कराइए, अल्ट्रासाउंड खूब कराइए, एक्सरे कराइए, सब कराइए, बीमारी जाने वाले नहीं, एक जाएगी दूसरी आएगी। हमारे साथ सब डॉक्टर लोग जुड़े हैं ना, कितने बड़े अमेरिका के डॉक्टर पूछते इसके बारे में, पूछिए वहां जाकर के कितनी भीड़ होती थी, कितना पैसा मिलता था, इतना बड़ी कोठी, अटलांटिक ओशन का पानी छूता था लगातार इनके घर को, मैंने देखा है। और जितने डॉक्टर सब एक एक करके, काफी डॉक्टर जुड़े हुए, प्रोफेशनल्स जुड़े हुए, तो जो हम बताते कोई कहते गलत है, यूट्यूब में तो जाता रहा, लीजिए कोई डॉक्टर कहते गलत है, डॉक्टर नहीं कहेगा गलत है, जिसको डॉक्टरी नहीं आती वो कहेगा ठीक नहीं है। इसे आप सबसे एक विनम्र निवेदन है, क्रिया योग आपके पास एक ऐसा मंत्र है, एक ऐसा अभ्यास है, चंद्रमा के घूमने से जो समस्याएं होती है उससे मुक्त हो जाएंगे, पृथ्वी के घूमने से अपने धुरी पर या सूरज के चारों तरफ घूमने से जो समस्याएं होती है उससे मुक्त हो जाएंगे। जब सूरज घूमता है बहुत बड़ी समस्या होती है, हृदय ही हमारा काला हो गया, कभी काला हो गया कभी अच्छा हो गया, ये तो बड़ी खतरनाक चीज है। सूरज घूम करके हमको मूर्ख बनाए, कभी ज्ञानी बनाए, हम नहीं फंसेंगे। इसलिए क्रिया युग ध्यान करिए, और ये कारण जानिए, सब ऊपर की हवा है, इसके बारे में फिर बताएंगे।